न्यूजीलैंड में दिखा है यंगस्तान का दम, जहां हार्दिक पांड्या की अगुवाई में न्यू इंडिया ने न्यूजीलैंड को उन्हीं के घर में करारी हार थमा दी है और न्यू इरा में जीत के शगुन के साथ भारत ने किया है एक शानदार आगाज। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं कैसे न्यूजीलैंड में यंगस्तान ने धमाकेदार अंदाज में सीरीज को किया है अपने नाम और कैसे नेपियर में बारिश भी नहीं रोक पाया टीम इंडिया का विजय रथ। नेपियर में सीरीज जीतने के इरादे से उतरी टीम इंडिया, हालांकि कप्तान हार्दिक पांड्या लगातार दूसरी बार टॉस के बॉस नहीं बन सके, लेकिन हार कर भी जीत गए क्योंकि टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी का मौका मिल गया। न्यूजीलैंड के कप्तान सऊदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का एक बड़ा फैसला किया, लेकिन ये फैसला उन्हीं के टीम पर भारी पड़ता नजर आया। एक बार फिर विस्फोटक एलन कोई तोड़फोड़ और विस्फोट मचाए बिना पवेलियन चले गए। हालांकि इस बार भुवनेश्वर की जगह अर्षदीप ने एलन को सस्ते में समेटा, पर जहां एलन चूके कॉनवे आज अलग मूड में थे। केन विलियमसन की जगह मुकाबला खेल रहे मार्क चैपमैन ने शुरुआत तो दमदार की और कॉनवे के साथ मिलकर उन्होंने 35 रन और जोड़े, पर पावर प्ले खत्म होने से ठीक पहले गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने आते ही आतंक मचाना शुरू कर दिया और सबसे पहले चैपमैन को 12 के स्कोर पर अपनी गिरफ्त में किया। पहले 6 ओवर में न्यूजीलैंड ने 2 विकेट पर 46 रन बना लिए, पर कॉनवे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका साथ निभाने आए ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लिया और इधर भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ गई। कॉनवे और फिलिप्स की जोड़ी मुकाबला टीम इंडिया के हाथ से दूर लेकर जा रहे थे। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 86 रन जोड़ दिए। इस दौरान दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतक भी जड़ दिया और मुकाबले में न्यूजीलैंड पूरी तरीके से डोमिनेट करता हुआ नजर आया। लेकिन फिर हुआ बड़ा चमत्कार और एकदम से टीम इंडिया ने मुकाबले में धमाकेदार वापसी की। 16वें ओवर में सिराज ने फिलिप्स के 54 रनों की शानदार पारी का अंत करके टीम को एक राहत दिलाई। फिर अगले ओवर में अर्षदीप ने न्यूजीलैंड के शानदार बल्लेबाज कॉनवे को 59 के स्कोर पर पवेलियन भेजकर दोहरा झटका दिया। 146 पर 3 से अगले 14 रनों के भीतर न्यूजीलैंड की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अर्षदीप सिंह और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। उनका लोअर मिडिल ऑर्डर एकदम से कोलैप्स हुआ और पूरी पारी 160 रनों पर ढेर हो गई। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने अपने 4 ओवर में केवल 17 रन देकर 4 विकेट झटके। वहीं अर्षदीप ने भी 4 सफलता अपने नाम की। इसके अलावा हर्षल पटेल ने भी जाते जाते एक विकेट झटका दिया। T20 इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत के दो गेंदबाजों ने आपस में 8 विकेट झटक लिए, जिसके चलते टीम इंडिया ने धमाकेदार तरीके से मुकाबले में वापसी की। हालांकि 161 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत भी खराब हुई। अपने 10 रनों की पारी में ईशान ने चौका और छक्का जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद भारत का टॉप ऑर्डर बिखरता नजर आया। ईशान, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर तीनों सस्ते में पवेलियन चले गए। 21 पर 3 विकेट गंवाकर टीम इंडिया भी मुश्किलों में घिर चुकी थी, पर फिर कप्तान हार्दिक पांड्या ने आकर मोर्चा संभाल लिया। एक कप्तान ने आकर न केवल टीम को संकट से निकाला, बल्कि अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के चलते कभी भी रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव टीम पर पड़ने ही नहीं दिया। 3 विकेट खोने के बावजूद पावर प्ले में ही भारत ने तोड़फोड़ मचा दी। हालांकि पिछले मुकाबले में शतकवीर सूर्या यहां वो कमाल नहीं दिखा सके, पर कप्तान पांड्या के 18 गेंदों में 30 रनों ने सुनिश्चित किया कि बारिश भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सके। जब 9वें ओवर में अचानक से बारिश ने मजा किरकिरा किया, एक नाटकीय अंदाज में मुकाबला खत्म हुआ। डकवर्थ लुइस नियम से स्कोर बराबरी पर रह गया और एक T20 मुकाबला ड्रॉ पर ही खत्म हो गया और बारिश भी टीम इंडिया और कप्तान हार्दिक पांड्या को न्यूजीलैंड में सीरीज जीतने से रोक ना पाई। इस नतीजे के साथ ही भारत ने न्यूजीलैंड को 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से हराया है और साल के आखिरी T20 सीरीज को युवा ब्रिगेड ने शानदार अंदाज में अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से किस खिलाड़ी ने टीम इंडिया को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई है, हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।